हेलो दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। कहते हैं, एक शायरी याद आ रहा है, बहुत दिनों बाद हम आपके सामने हैं और कुछ कहना चाहते हैं कि समंदर में रेत का महल नहीं बनता, समंदर में रेत का महल नहीं बनता, कि रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग ऐसे ही जीतने का हौसला रखो तो एक जीत या एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो दोस्त, वैष्णवी फार्म के तरफ आते हैं और रुक करते देखते हैं क्या है सामने। हमारी काली गाय है, काली इसका नाम है, थोड़ा गंदा हो गया है। ये मेरा पुराना फार्म है, बहुत पहले जो हम लोग जो है इसी में यहीं से शुरुआत किए थे गाय को पालना। और इस तरह से देख सकते हैं, गाय छोटी सी जगह में पहले रखते थे, अभी धीरे धीरे स्ट्रक्चर का काम हो जाएगा तो नए फार्म में शिफ्ट कर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये दो बाछी है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है आपको पता होगा, पिछली बार हमने नाम बताया था इसका। ये लाल है, रेड काउ, और ये है, एक क्रॉस है एचएफ में, और इसका नाम है स्वप्ना, स्वप्ना है इसका नाम। देखिए कितना लव करता है, प्यार करता है। तो आगे बढ़े, ये देख सकते हैं, ये गाय है हमारे पास, दो गाय हैं। ये कितनी प्यारी गाय है, ये ब्रीड में बिल्कुल इंडियन है, देखिए एकदम क्रॉस ब्रीड है, इंडियन गाय है, बहुत ही लव, एकदम स्माइल करती है, एकदम प्यार करती है। गायें जो है बहुत अच्छी है। इसका देखिए झालर भी है, देसी का सारा गुण है इसके अंदर। और ये फार्म जो है आज से एक साल पहले स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी समय हम जो है आप लोगों से दूर रहे हैं, और टाइम नहीं मिलने के वजह से हम वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पाए थे आपके पास, अपना अनुभव भी कुछ शेयर नहीं कर पाए। ये गाय है, थोड़ा इसको लैम्पी स्किन हो गया था, एक रोग है लैम्पी स्किन, और इसलिए ज़्यादा कमज़ोर हो गई। दो गायों को लैम्पी स्किन हो गया था, तो ये भी रिकवर कर रही है। इसका नाम है सरस्वती, और अब इनका खाने का टाइम 2 बजे से है। देखिए लैम्पी स्किन होने से शरीर में गांठ बन गया था, ये वायरस से होता है, अफ्रीका से रोग इंडिया में प्रभावी हुआ था। इन टाइम से इलाज होने के वजह से गाय रिकवर कर गई। तो आगे जो गाय हम आपको दिखाने वाले, देखिए कितना छोटा सा जगह में 4-5 गाय हमारी रहती थी पहले, अभी मेरा फार्म स्ट्रक्चरिंग में है। ये देखिए ये कितना लवली है, ये बहुत प्यार भी करता है, बहुत क्यूट है, ये बहुत प्यारी है, ये मेरा जान के एकदम करीब है। देखिए कितना मानता है हमें, मैं अगर इधर से हट जाऊं तो मुझे ढूंढेगा। हाँ, इसको भी लैम्पी स्किन हो गया था वायरस से जनित। तो देख सकते हैं कितना प्यारा है, और कितना ये बोलते हैं ना, जानवर भी इंसान को बहुत प्यार करता है, बशर्ते हम इससे इतना क्लोज नहीं हो पाते ज़िंदगी में, इसलिए हमसे अपना जैसा अनुभव नहीं शेयर कर पाता है। अगर इनके साथ हम अपना जैसा फील करेंगे तो ये अपना ही है, मतलब इंसान से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इंसान भी जो है नेचुरल हैं, और हम लोग जो हैं इनके साथ उस तरह का फीलिंग नहीं दे पाते हैं, इसके वजह से ये हमारे लाइफ से ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो ये था छोटा सा फार्म जो हमारा पुराना, पिछले एक साल में हमने वो क्रिएट किया है। तो चलते हैं एक और गाय जो नई ली थी उसके पास। तो दोस्तों, ये मेरी जो चौथी गाय थी जो नया खरीदाया था, 60,000 में ख़रीदा है, 14-15 लीटर दूध देती है पर डे। तो ये गाय अभी मेरा दूध का जो औसत है बहुत डाउन कर गया था, वो गायें एक तो 6 महीना हो गया ब्याह करके, एक 7 महीने हो गया, और एक 3 महीने। तो जो हमारा मिल्किंग जो एवरेज था वो डाउन कर गया था 35 लीटर से, तो हमें चौथी गाय लाना पड़ा। ये 16 लीटर दूध देती है, और इसका अदर क्वालिटी देख सकते हैं, ये देखिए बहुत अच्छी गाय है क्रॉस ब्रीड में इसका, ये सब देख सकते हैं बहुत अच्छा है। और फार्म में दूध को मैनेज करने के लिए आपको सोच समझ के गायों को बढ़ाएं, धीरे धीरे जब प्रोडक्शन आपका यूज होने लगे, मार्केट में सेल होने लगे, तो गाय को लाएं। ये था हमारा पुराना फार्म, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।